मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिस पर पक्ष विपक्ष के नेताओं की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस पर हाल ही में मीनाक्षी लेखी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाए गए एक कदम पर सवाल उठाया है, जिसके बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता पर भी असमंजस के बादल छा गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से हाथ न धोना पड़ेगा। जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा निकलेगा, तो अब जो बीज बोने वाली बात है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सजा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए। और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है, जैसा बोगे उसका फल भी आपको मिलेगा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है, और जल्दी वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, उन लोगों का एविडेंस शुरू होगा इनका। लेकिन आज कुछ बड़े सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। जाने क्या है विपक्ष का कहना। गुजरात की सूरत कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन जिस तरह लोकतंत्र के एक महान योद्धा के रूप में उभरे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ साजिशन, ये सब कुछ हुआ है। वो चाहते हैं राहुल गांधी आवाज बंद कर दें, लड़ाई बंद कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष बंद कर दें, तो फिर वो राहुल गांधी के डीएनए को नहीं जानते। ये संघर्ष और प्रखर होगा, सत्य की लड़ाई और मजबूत होगी। मैं जुडिशियल जो भी निर्णय होते हैं उसका सम्मान करती हूँ, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच हुआ है। जब उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, उन्होंने कहा वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का किसी को आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे, पर वो एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, फिर भी ये निर्णय लिया गया है। इसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल रैलीज में बहुत सारी चीज़ें कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी के बारे में कितना कुछ कहा है, गांधी परिवार के बारे में कितना कुछ कहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग जुडिशियल डिसीजंस देखेंगे, डेफिमेशन में ओवररीच देखेंगे, तो इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज पॉलिटिकली ऑल्सो। साथ ही साथ जिस तरीके से हम एक माहौल बनता हुआ देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देंगे, EDIT इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के माध्यम से बार बार लीगल प्रक्रियाओं में फंसाएंगे, फिर थ्रू जुडिशियल प्रोसेस इसमें निर्णय लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को साइलेंट करने की एक और रास्ता अपनाया गया है। और वो ऑपोजिशन इस बात से क्लियर है कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और हर मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर लगातार बोलते रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.